डियर, क्वेश्चन 20 में गिवन है cos 2x डिवाइडेड बाय cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर dx। देखिए, हम लोग cos 2 थीटा का फॉर्मूला जानते हैं क्या, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। सबसे पहले तो जो नोमिनेटर में गिवन है cos 2x, इसको इस फॉर्मूला से एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाई cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर dx। अभी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा, तो ये इसको लिख सकते हैं कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ वन है, तो ये टर्म और यहाँ पे एक कट जाएगा, एक बचेगा डी एक्स। अब फाइनली क्या बच गया, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब ये सब्स्टिट्यूशन से आगे का प्रोसेस हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेट अगर कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को अगर टी लेते हैं तो हमारा न्यूमिनेटर वाला आ जा रहा है डिफ्रेंशिएट करने पर, इसीलिए न्यूमिनेटर को हम लोग टी लिया है, क्योंकि आप जब भी अगर इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं तो डिफ्रेंशिएशन ट्रिगोनोमेट्री अगर का फार्मूला ये हमेशा चलते रहना चाहिए, इंटीग्रेशन का फार्मूला, ताकि कौन सा फार्मूला कहाँ पे सेट हो रहा है ये जरूरी है ध्यान में रखना, ये चलते रहना चाहिए। जब भी आप इंटीग्रेशन का मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉस एक्स का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, और ये हो गया डी एक्स इक्वल टू डी टी। इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस एक्स को पहले लिखो साइन एक्स को बाद में लिखो, और डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब देखिए न्यूमिनेटर वाला आ गया, अब कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को क्या माना है टी, तो ऊपर हो गया डी टी और ये हो गया टी, वन बाई टी का होता है लॉग टी प्लस सी, और टी का वैल्यू जो हमने लिया है इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी, यही आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, बस फार्मूला आपको ध्यान में रखने हैं, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए।